हमारा डबल डोर सा ही फ्यूज आया है, इसके अंदर दबाते हैं इसको ओपनिंग पहले से चला देते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी ब्लॉग। और गाइस अब बज रहे हैं सुबह के 7:30 और गाइस मैं जग चुका हूं, फाइनली घर में भी सब जग चुके हैं। और गाइस अब चलते हैं फाइनली गाइस अपने रूम में। और गाइस अब रूम की हालत इस अंदर कितनी बेकार हो रखी है, पहले इसको करते हैं ठीक। सेट कर दिया था बेड पर और आप देख सकते हैं ये जो चादर जो बेडशीट है गाइस ये की थी चेंज, क्योंकि काफ़ी दिन से बस वही बेडशीट जो बिछ हुई थी तो अपनी वाली चेंज कर दी थी कल। तो गाइस अब चलते हैं अपने रूम में और अंदर चलते हैं गाइस रूम में। इधर आया था तो सोम तो दे रहा था टीवी और रॉक्सी के जो बेबी गाइस वो इधर सो रहे हैं और हमारे रॉक्सी गाइस वो बैठी है बाहर। फिलहाल मम्मी आ चुकी बाहर और मम्मी ने बनाई थी चाय, चलते हैं किचन में। पहले मैं जाके था किचन में तो मम्मी ने बना ली थी चाय और चाय और गाइस मम्मी ने सारी को साफ करते गैस वगैरह सब कुछ, तो अब पी लेते हैं मम्मी चाय। फाइनली गाइस मैंने भी ले ली चाय, मैं चाय पी रहा हूँ। हमने भी ली थी चाय और गाइस टीवी चली, टीवी को बंद करते हैं और गाइस जो इसके बेबी साइन को लग रही ठंड होगा तो ऊपर ऊपर धूप के लिए इनको ले देते हैं, ऊपर टीवी बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाइस इनको ऊपर लेके, गाइस गाइस इनको ऊपर ले जा रहे हैं तो हम इनको ऊपर लेके आ गए थे गाइस। और आप देख सकते हैं गाइस हमको इनको धूप में रख दिया और चटाई बिछा के, क्योंकि इनको ठंडा लगनी चाहिए, जमीन बहुत ठंडी रहती है रात के टाइम तो वो सोती है ना और उस पड़ती रात भर तो नीचे जमीन होती है ठंडी पड़ जाती है, इसलिए हमको यहाँ पर रख दिया। हमें सुनाया बताया था गाइस कि आज मेरा जो है ड्रॉप ट्री बॉट जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था तीन या चार दिन हो गए थे तो आज उसका ऑर्डर होने वाला, तो गाइस आज वो आएगा। क्योंकि गाइस मेरे को दिक्कत होती है बहुत उससे, क्योंकि इसमें माइक वगैरह नहीं होता तो उससे मेरी क्लियर आवाज़ नहीं जा पाती, तो आज मेरा ऑर्डर जो आ जाएगा। और ये साइड में जो गमले रखे हुए हैं इन ट्रेली के पास गाइस, इनके इनमें जो पानी नहीं था काफ़ी दिन से तो आज मैंने इनमें पानी भी लगा दिया है और ये सूख भी गए थे काफ़ी दिन से तो इनमें पानी लग गया था। गाइस ठीक ठाक लग रहा है इनके अंदर, मैं को दिखाता हूँ क्लोज से, तो आप क्लोज से देख सकते हैं इनमें समय पानी लग चुका है। और गाइस आप देख सकते हैं झलर के जो वायरलेस लगे हुए हैं इनको बस अभी हम नहीं हटाएंगे, बस 6-7 दिन के अंदर जब तक भाई की शादी नहीं होगी, भाई की शादी होने के बाद गाइस इन वायर को हम हटा देंगे झलर को, क्योंकि ये इनका डर रहता है गाइस कि ख़राब होने का ठुकने का डर रहता है, इसलिए फिर इनको बाद में हटा देंगे जब तक इनको लगने दो। इसके जो सुन था उन बेबीज को लेके थे नीचे, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी ठंड होने लग रही थी कि, तो अब चलते हैं गाइस नीचे। तो हम आ गए अंदर और रॉक्सी के बेबीज लगाए देख सकते हैं, वो यहाँ पर रॉक्सी के सुन के पास है और एक बेबी है रॉक्सी का, वो माँ चला गया, हमने वहाँ सीट पर दिया और देख रहा स्टेप ठीक देख रहा सुन। और चलते हैं इस बार बाहर, मम्मी आ चुकी है बाहर से तो आप देख सकते हैं लोग आ चुके हैं और मम्मी गए तो कुछ सामने कर लेंगे थे बाजार, तो पहले ये मम्मी जो है आ चुकी हैं। अब चलते हैं गाइस अंदर, तो गेट अब हम लगा देते हैं, अब चलते हैं अंदर। गाइस ये लोग सारा सामान लेके, हम पेंट लेके गए थे सिलवाने के लिए, गाइस सारा सामान आ चुका है पेंट और सब मम्मी जो सारा सामान लाए। तो गाइस मैंने वो चेंज किया था तो मेरा तो एकदम परफेक्ट बैठा था पेंट और सब ने जो कपड़े जिन्हें ट्राई कर लिए गए जिससे सब भी एकदम बढ़िया लग रहा है चकाचक। और मैंने जो अपना पेंट लिया था उसमें थोड़ी दिक्कत थी तो वो इश्यूज हो गए, वो दोबारा चेंज हो जाएगा, तो वह देते सोने भी एकदम परफेक्ट ले रहा है सामान इसको रख देते हैं रूम में। सारा सामान हमने यहाँ रख दिया है और बॉल भी सामने यहाँ रखा हुआ है, हमने सारा जो कपड़ा वगैरह था तो कपड़ा थे सब दिखा दिए थे। और गाइस बच चुके हैं दोपहर के 12 और धूप भी चकाचक और बढ़िया निकल चुकी है, अब चलते हैं गाइस अंदर। हम आ चुके थे अंदर और सारा सामान हमने रख दिया था, तो खाना हमारा रेडी हो चुका है गाइस। तो खाने में सब्जी में आलू की गीली सब्जी और रोटी, तो खाना खा रहा हुआ हमने सबने खाना खा लिया था और अब बच रहे गए दोपहर के 3 और हम पीछे मौसम आए थे और रॉक्स के हमारे मम्मी सब यहाँ बैठे आराम से बारह रूम में और हमारे रॉक्स के बेबी से कहा उनको हम बाहर लेके आए थे अब सब बैठे। अब शाम के बच चुके हैं 6:30 और मम्मी जो है बाजार गई हैं कसा के कुछ कपड़े लेने के लिए शादी के, तो गाइस पापा सुबह के गए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए जो शाम के शादी का जो सामान मिलता है गाइस बेड वगैरह जो सब फर्नीचर और टीवी वगैरह, तो पापा ले लेंगे थे सामान, तो उन लोगों ने उनको फ़ोन आया था कुछ गाइस कि उन लोगों ने सामान ले लिया है बस थोड़ी देर में वहाँ से चलने वाले हैं गाइस, तो आने वाले का टाइमिंग तो वो यहाँ पहुँचाएंगे 8 या 8:30 के लगभग। तो गाइस रात बहुत 6:30 बजे के अब समझ सकते हैं गाइस कि
ठंडों का मौसम चल रहा है उस टाइम, अंधेरा भी जल्दी हो रहा है, तो इसमें बहुत जल्दी जो हल्का दिन होता है बहुत जल्दी होने लग रहा है। तो रॉक्सी के जो बेबी है वो तो अपने रूम में सो ही रही है और हमारी रॉक्सी जो उस गेट के बाहर सो रही है। और आज था मम्मी का व्रत, एकादशी का, जिसमें मम्मी व्रत रहती हैं। तो मम्मी का तो उस मम्मी ने वही खाना होगा जो पकौड़े खाते हैं व्रत में, वो खाया था। अब बच्चों के शाम के 8 और जो सामान मिलता है पापा लेके, आज सब कुछ सामान आ चुका है, चलते हैं बाहर। और ये सामान सबने यहाँ रख दिया, बस ये तो बस थोड़ा वैसे छोटा सामान था जो मैं पहने में। तो गाइस आधा सामान जो उधर से एक मशीन और कुर्सी जो आ चुका है, और दिखाते हैं सामान आपको। खाना और खाना खा लेते, खाने की सब्जी आलू की गीली सब्जी और रोटी, तो खाली मैं खाना खा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने खाना खा लिया है और अब जो आधा सामान रह गया है मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अभी फ्रिज की ओपनिंग की है उसके बॉक्स की दिखाते हैं। जैसे तक ये हमारा डबल डोसा ही फ्रीज आया है, इसके अंदर दिखाते हैं उसकी ओपनिंग, पहले चिट चिटा देते हैं। हमारी रॉक्सी जो है यहाँ बैठी हुई है, हम सब इसके बेबी में मेरा रूम में सो रहे हैं। इसमें अपने रूम में आ चुका हूँ, तो मेरे पास डबल का सामान है और मेरी रॉक्सी के बच्चे वो यहाँ पे सो रहे हैं आराम से। हमारा सामान जो है बेड पर आधा रखा हुआ है, इसको भी हम अलमारी में शिफ्ट करेंगे। और हमारा जो फ्रीज है हमने अंदर रख दिया यहाँ पर, और पापा यहाँ पर देख सकते साफ है इस जो जगह की जो बेकार रखा है करता है साफ, तो उसको तो हम साफ कर रहे थे। और अलमारी का हम खोल के दिखाते हैं आपको, बस अंदर आप देख सकते हैं सब रख दिए उसमें सुन लिए। और अलमारी को बंद, अब जो एक ही बार थोड़ा सामान रह गया इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से सामान इधर पड़ा हुआ तो ठीक नहीं लग रहा है। सारा सामान रख दिया था अंदर जो रूम में, और कुछ थोड़ा सामान बचा है जो मेरे बेड के बगल में रखा हुआ वगैरह, तो इनको भी सेटलमेंट कर देंगे थोड़ी बाद। तो अब गाइस रात के बज चुके हैं 12 और गाइस काफ़ी रात हो चुकी है, और कल हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है वही कुछ बाइक से रिलेटेड थे। तो वही लाइक, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को दे सब्सक्राइब एंड वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में, बाय।